हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया के बारे में कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के पूरा डिटेल्स में जाएंगे, जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम का हमारे जीडीपी में खर्चा कितना होता है, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग कितना है, फिर हेल्थ केयर के ऊपर डिटेल्स, हॉस्पिटल स्टेट वाइज रैंकिंग हमारा वर्ल्ड वाइड में कंपेयर किया है, और कुछ उसके साथ गवर्नमेंट के स्कीम्स के भी ऊपर फोकस करेंगे, और हम कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर भी देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं पूरा सिस्टम के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया के बारे में। जब हम हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो तीन चीज ही आता है, एक तो आता है एलोपैथी, दूसरा आता है आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। तीनों टाइप के चेकअप प्रणाली के बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली जब हमारे भारत का पूरा ओवरऑल जीडीपी का 3.6 बिलियन डॉलर हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है, तो जो कि भारत के जीडीपी का 1.23% है, जो कि 2020 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो ये है हमारा जीडीपी का खर्चा 1.23%। अगर हम कंपेयर करते हैं यूएस के साथ तो यूएस का जीडीपी के 16.9% यूएस के जीडीपी में खर्चा होता है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, जो कि इंडिया में होता है 1.23%। वैसे सेकंड रैंक में हमारा जर्मन भी आता है, करीबन 12.9-13% अपने हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा करता है। यूरोपियन कंट्री ज्यादातर आते हैं, हमारे जापान भी एक है जो कि करीबन 11% के करीब जीडीपी का खर्चा करता है हेल्थ केयर। ज्यादातर कंट्री हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा है, लेकिन इंडिया के जीडीपी का 1.23% ही हेल्थ केयर के सिस्टम के ऊपर खर्चा होता है। जैसे कि हम हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो आजकल के हेल्थ केयर क्यों जरूरी है, जो कि न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड इट इम्प्रूवमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ ऑल अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटी। जैसे कि पब्लिक हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए न्यूट्रिशन वाला खाने के लिए, फूड के लिए, ये सब के लिए हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर हम ज्यादातर ध्यान देते हैं, जो कि हमारा एक प्राइमरी ड्यूटी है। गवर्नमेंट का भी एक प्राइमरी ड्यूटी है और हमारा भी प्राइमरी ड्यूटी है। एक आज के हमारे जब 1983 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा आया, पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ये बोला गया कि हम हेल्थ केयर के ऊपर थोड़ा सजाग होंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, जो कि बाद में ये अपडेट होके 2002, फिर अभी 2017 में ये किया, और ये ज्यादातर काम करने लगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज में जो कि फैलता है, और नॉन कम्युनिक जो कि जो वो ऐसे ही नहीं फैलता, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। प्राइवेट आज के डेट में भारत में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी हेल्थ केयर इन इंडिया। आज के डेट में देखेंगे तो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज मेन रेस्पॉन्सिबल है मेजोरिटी हेल्थ केयर ऑफ इंडिया, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे होंगे जितना गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सेक्टर नहीं है उतने प्राइवेट के ज्यादातर हैं, तो ज्यादातर हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर ये है फोकस। तो हेल्थ केयर का जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले आता है कि खर्चा कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस बहुत है। आजकल के डेट में इंडिया में एक्सपेंसेस हेल्थ के ऊपर हो रहा है, ज्यादातर देखा जाए जो कि पेशेंट्स या जो बोलते हैं फैमिली मेंबर्स के पॉकेट के ऊपर पड़ता है, जो उनका इनकम है उसके ऊपर पड़ता है, जिसके वजह से किनका एजुकेशन नहीं हो पाता, जो कि किसी का कोई भी जो प्राइमरी चीज सब है वो सब पूरा नहीं कर पाते हेल्थ केयर के खर्चे के वजह से। 2018 में क्या किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लॉन्च की है जो कि सब सुनते होंगे, आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम में क्या किया गया, ये कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के ऊपर काम चलाया गया, जो कि एम्ड एट 50% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन एंड अदर फ्री ट्रीटमेंट इवन प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हमारा हेल्थ केयर के ऊपर, मतलब कि हेल्थ के लिए 50% खर्चा जो होगा वो गवर्नमेंट ये करेगा उस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। जो आयुष्मान भारत है ये एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके तहत पहले क्या होता था कि कोई भी मरीज हॉस्पिटल जाता था, उसका डेथ हो जाता था, किसी उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था, लेकिन ये आयुष्मान भारत क्या किया कि सभी जितने भी जो जो स्टेट एग्री किए हैं, जो जो स्टेट एग्री नहीं किए हैं, तो उसके तहत सभी के नाम पे इंश्योरेंस हो गया कि हेल्थ केयर के ऊपर इन्हें इतना रुपए का मिलेगा इंश्योरेंस स्कीम के तहत, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। ये 2018 में पूरा भारत में लागू किया गया। तो कुछ जेहेतु हेल्थ एक जो स्टेट सब्जेक्ट भी है ये और सेंटर के सब्जेक्ट भी कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो ये सेंटर और स्टेट दोनों ये रूल बना सकते हैं।
तो इसमें क्या किया गया, 50% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, जो 50% पॉपुलेशन है उसको कवर किया जाने का आयुष्मान भारत का मिशन रखा गया। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो उसके तहत कंट्रीज पॉपुलेशन अदर फ्री ट्रीटमेंट, इवन द प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री ट्रीटमेंट हो सकता है आयुष्मान की वजह से। जो कि हमारे भारत में देखा जाता है टोटल आज के डेट में देखेंगे 1.1% जीपीपी, मतलब कि 3.89% टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द हेल्थ केयर, मतलब कि खर्चा होता है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, जो कि हमारे ज्यादातर, जैसे कि मैंने बोला कितना हमारे जीडीपी का आता है 1.23, जैसे कि खर्चा होता है 3.89%। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर के ऊपर अगर देखेंगे, ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक वर्ल्ड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक मिशन भी है, 2030 का मिशन भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के लिए जो 17 मिशन है उसमें जो बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज द पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये एक पार्ट भी है। तो ज्यादातर जब हम देखते हैं एनएचएम के बारे में आप सुनते होंगे, नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन, जो कि उसके तहत फ्री ड्रग डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट इंश्योरेंस फॉर सीरियस एलिमेंट्स इनके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, और ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो है कि भारत में करीब 58% हॉस्पिटल कंट्री में हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर के, जो कि 29% बेड इन द हॉस्पिटल और 81% डॉक्टर्स हैं। इसके तहत अगर हम थोड़ा देखेंगे वर्ल्ड में, जब वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे हम, आउट ऑफ 169 कंट्री में से इंडिया का रैंक है हेल्थ में 120th पोजीशन, और नंबर वन रैंक किसका है, स्पेन का, जो कि ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से 1920 के रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है। 1970 में इंडिया में एक हुआ, गवर्नमेंट बैन कर दिया मेडिकल पेटेंट। आजकल के डेट में आप सुन रहे होंगे कि जेनरिक मेडिसिन एक्चुअली हाल ही के जेनरिक मेडिसिन है क्या। जेनरिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको फार्मास्यूटिकल के बारे में जब समझाऊंगा उसमें मैं ये कवर करूंगा। तो इंडिया साइन किया 1995 में ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट एक्चुअली क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट साइन किया, व्हिच इज अलाउ मेडिकल पेटेंट्स बट एस्टेब्लिश द कंपलसरी लाइसेंस वेयर द फार्मा कंपनी, कुछ फार्मा कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड किया, हैज टू राइट टू प्रोड्यूस एनी पेटेंटेड प्रोडक्ट बाय पेइंग फी। मतलब कि 1991 के बाद हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया था। पेटेंट ये 1995 में ये किया ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत, ये जो बोलते हैं कि पेटेंट बनाने के लिए दवा कंपनियों को ये लाइसेंस प्रोवाइड करने लगा। तो इंडिया में कंज्यूम मोस्ट एंटीबायोटिक वर्ल्ड, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा, एक पर हेड के हिसाब से सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक कवर करते हैं इंडियंस, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका जो एक पोर्टल है जो कि हमारा मेनली काम करता है, उस पोर्टल का नाम है NEHA, नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी। उस पोर्टल के तहत सभी का नाम रजिस्टर होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ है जो कि रिकॉर्ड्स करता है एज पर द गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत NEHA ने, हाँ मतलब कि नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी के तहत ये पूरा डाटा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत ये रखा जाता है। तो आगे हम देखेंगे तो ज्यादातर रूरल एरिया के, जब हम हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल एंड अर्बन। रूरल है कि जो कि गांव के लोगों को रूरल एरिया में बोला जाता है और टाउन को अर्बन एरिया बोला जाता है। तो ज्यादातर देखिएगा रूरल एरिया में हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है। तो आज के डेट में 74% ऑफ द डॉक्टर्स आर इन अर्बन एरिया, 74% डॉक्टर जो कि अर्बन एरिया में है। द लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्यों वो वहां पे रूरल एरिया में लोग नहीं जाते, क्योंकि लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, क्योंकि वहां पे हेल्थ केयर ठीक नहीं है, एजुकेशन उनके बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन ठीक नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्राइमरी जो प्रॉब्लम होता है, इसी की वजह से ज्यादातर डॉक्टर
अर्बन एरिया को ही चूज करते हैं रूरल एरिया के हिसाब से, तो इसीलिए 74% ऑफ द डॉक्टर्स आर इन अर्बन एरिया, 26% जो कि रूरल है, जो कि भारत के 70% आबादी रूरल में रहता है, 30% अर्बन में रहता है, लेकिन यहाँ पे दोनों उल्टा ही है। तो मोस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर, मतलब कि ज्यादातर प्राइवेट हेल्थ केयर में इंडिया वर्ल्ड में नंबर वन है, इंडिया वर्ल्ड में नंबर वन थे प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से 2007 में एक रिपोर्ट आया था पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर, भारत में 1990 से 2010 तक जो खर्चा हुआ है जीडीपी का 0.9 to 1.2%, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, जनरली 0.3% इंक्रीमेंट हुआ है। फिर उसके अगर हम देखेंगे टोटल 2007 में एक रिपोर्ट भी आया था जो कि इंडिया का रैंक 184 बताया था हेल्थ केयर सिस्टम में, 191 में से 181 पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन हेल्थ केयर एक्ट ऑफ द जीडीपी के हिसाब से, मतलब कि इंडिया जो खर्चा करता है पैसा, रैंक तो मैंने बोला 120 पोजीशन है आउट ऑफ 169, ये ब्लूमबर्ग का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला कि आउट ऑफ 191 कंट्री में इंडिया जो हेल्थ के ऊपर खर्चा करता है इंडिया का रैंक है 184 आउट ऑफ 191 कंट्री के ऊपर, अगर देखेंगे तो ये WHO का 2007 का रिपोर्ट था। तो इसके तहत हमारे ज्यादातर जो बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, नॉन मेडिकल कॉस्ट, डिस्टेंस कॉस्ट, जिसके लिए कि हमारा एम्बुलेंस स्कीम भी अभी 108 ओडिशा में चल रहा है, वैसे हर स्टेट के लिए एक एक अलग है एम्बुलेंस चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो कि 23% पेशेंट हैं जो कि रूरल एरिया में ऐसे ही करके सफर करके उनका डेथ हो जाता है, ये है कि हमारे रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे। तो जब हमारा काम करते हैं, पहले एक स्कीम चलता था जो कि हमारा NRHM जो कि नेशनल हेल्थ मिशन में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि NRHM 18 स्टेट्स में काम करता था, जो कि NHM हमारे कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स जो कि 9 लाख के करीब ये हैं, जो कि NRHM के तहत जो हमारा आया था कि 18,000 लोगों को ये कवर हुए थे 18 स्टेट में, ये पहले के स्कीम के। फिर NHM जो 2011-12-13 के बाद ये NHM स्कीम आ गया कि इसके ऊपर ये किया जाएगा, तो ये हेल्थ वॉलंटियर्स काम करने लगे। पहले थे NRHM के तहत 18,000 एम्बुलेंस काम करता था जो कि 1,78,000 पेशेंट कवर हुए थे NRHM। अप्रैल अगर देखेंगे तो हमारा 12th 5-year plan है, उसका रिपोर्ट है, जो NRHM है उसका नाम बदल दिया गया NHM, जो NRHM में 18 स्टेट कवर होते थे उसके तहत 18,000 एम्बुलेंस काम करते थे और 1,78,000 पेड स्टाफ थे, और जो कि NHM हुआ 9 लाख कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स रहने लगे। ये था टोटल जो बोलते हैं कि NRHM जो NHM आज के डेट में बन गया, जो कि आज आप देख रहे होंगे दो टाइप का स्कीम चलता है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, NUHM, ये दोनों आज के डेट में NHM के अंडर आ जाता है, जो कि 1 मई 2013 को लागू हो गया था। करीबन 179 सिटी एंड टाउन्स के ऊपर जहां पे कि 50,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे NUHM स्कीम लागू हुआ है, और इसके तहत एक जो बोलते हैं हेल्थ कवरेज दिया जाता है प्रधान, और उसके बाद ये एक हेल्थ कवरेज के लिए एक गवर्नमेंट का स्कीम चलाया जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत जो कि पोअर है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, करीबन 5 लाख तक इंश्योरेंस का स्कीम 100 मिलियन फैमिली को पहुंचाने का इस स्कीम का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ये गवर्नमेंट के तहत चलाया जाने वाला एक स्कीम है। ये है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, और हम उसका थोड़ा डिटेल देखेंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में एक प्रोग्राम चलाया गया था करीब वेस्ट बंगाल में 2012 के करीब चलाया गया था फेयर प्राइस शॉप प्रोग्राम। इसके तहत क्या हुआ, 93 स्टोर्स बेनिफिटिंग 85 लाख पीपुल, 85 लाख पीपुल को 93 स्टोर जो कि बेनिफिट्स दे रहे थे। करीबन हमारे बंगाल का पॉपुलेशन 8.5 से 9 करोड़ है, लेकिन अगर देखेंगे तो 85 लाख पीपुल्स को ये हेल्थ केयर में ये प्रोवाइड किया गया। फ्रॉम दिसंबर 2020 टू नवंबर 2014 दिस प्रोग्राम आर शेयर 250 करोड़ के जो बोलते हैं कि सिटीजन्स को इतने पैसे का बेनिफिट्स दिया था, जो कि 60% जेनरिक ड्रग्स था। एक्चुअली जब मैं पहले ही बोला था कि जेनरिक ड्रग के बारे में हम फार्मास्यूटिकल के बारे में जब जानेंगे उस वक्त हम जेनरिक के बारे में बात करेंगे। उसके तहत हमारा जो एक स्कीम चला था
भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि आप 30,000 तक इंश्योरेंस के बारे में, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के बारे में सुने होंगे, और पांच, एक फैमिली के पांच मेंबर वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके तहत जो पेमेंट करता है RSBM स्कीम के तहत 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% स्टेट गवर्नमेंट। जो 2015 में 37 मिलियन हाउस होल्ड कंसिस्टिंग द 129 मिलियन पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि ये स्कीम इन सबको कवर करता है, जो कि आज के डेट में 25 स्टेट्स इन इंडिया में RSBM स्कीम चलाया जाता है। इंडिया सेट अप द नेशनल टेलीमेडिसिन टास्क फोर्स बाय हेल्थ मिनिस्ट्री इन 2005। जो मनमोहन सिंह का सरकार होता है उस वक्त भारत एक सेट करता है कि नेशनल टेलीमेडिसिन टास्क फोर्स एक शुरू करता है, टेलीमेडिसिन टास्क फोर्स, जब ये हमारे RSBM स्कीम के तहत चलता है और जो भारत शुरू करता है 2005 में टास्क फोर्स। ये टास्क फोर्स जो बोलते हैं ज्यादातर हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर देखरेख का काम ये संभालता है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बहुत पोअर है GDP के हिसाब से ये सब, तो हम कंपेयर करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जहां पे कि क्या होता है कि वहां पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि बेल्जियम में क्या होता है, जो मेडिकल है वहां पे कोई भी इंसान का, कोई भी उनके सिटीजन्स हो, उनके सिटीजन्स का जो इनकम होता है, जो इनकम टैक्स होता है, वो जो टोटल उनका इनकम होता है 100% इनकम में से उनका 1% इनकम एक म्यूचुअल के अंदर रखते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल क्या है, फाइनेंस करते हैं म्यूचुअल को, उनका जो ये है उस म्यूचुअल को वो लोग पे करते हैं। सपोज मेरा इनकम 1,000 रुपया है, 1,000 रुपये में मैं अपना 10 रुपया वो म्यूचुअल को दूंगा। वो म्यूचुअल को देने के बाद जब मेरा बाकी का हेल्थ, जब मेरा प्रॉब्लम होगा हेल्थ के ऊपर किसी चीज के ऊपर, उस वक्त पे क्या होगा, जो मैं अपना इनकम टैक्स से पे कर रहा हूं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कहीं पे भी जाऊंगा तो मेरा फ्री चेकअप होगा। ये एक बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, ये पूरा सरकारी स्कीम है बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ज्यादातर जब हम एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो बेल्जियम, इन सब अच्छे, क्यूबा, इन सब कंट्री के बारे में, US, जर्मन, फिर आता है जापान, इन सब हेल्थ केयर सिस्टम के, एक्चुअली हमारा कंपेयर किसके साथ रहता, पाकिस्तान के साथ रहता कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर से हमारा अच्छा है। लेकिन हमें डेवलप्ड कंट्री के बारे में भी देख के हमें हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सीखना भी चाहिए। तो इंडिया एक्चुअली जो टोटल है अगर देखेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, अभी टोटल बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस थे 20 और प्राइवेट कॉलेजेस थे 1। 2001 के बाद 2013-14 तक जो रिपोर्ट है, करीबन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 31 और हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस 106 2001 तक। फिर अभी हम बात करते हैं कि टोटल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, आज के डेट में आप जानते होंगे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका नाम बदल के NHM के तहत ये ले आया गया कि हमारा जो है कि MCI का नाम NMC के तहत आ गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो कि आज के डेट में नेशनल मेडिकल काउंसिल 25 सितंबर 2020 से काम करता है। नेशनल मेडिकल काउंसिल, एक्चुअली ये नेशनल मेडिकल काउंसिल के बारे में हम जानेंगे इसलिए कि अभी अभी हाल ही में विरोध भी हुआ था। यहाँ के जो मेंबर बॉडी हैं, टोटल 33 मेंबर बॉडी हैं, एक चेयरमैन रहते हैं, 10 एक्स ऑफिसो मेंबर रहते हैं और 22 जो मेंबर्स हैं वो कि मेनली मेडिकल मेंबर रहते हैं और 60% मेडिकल प्रैक्टिशनर ही रहते हैं। आज के डेट में सुरेश चंद्र शर्मा जो कि हैं कि हमारे NHM का चेयरमैन है। तो ये है, तो अगर हम देखेंगे कि हम अभी हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल के बारे में हम जब देखते हैं हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि क्या हो रहा है कि हमारे मेडिकल का जो कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन है, उसके तहत ज्यादातर डॉक्टर सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ पे इतना खर्चा हो रहा है, यहाँ पे इतना हो रहा है, ज्यादातर ये। उसके तहत अगर देखेंगे आज के डेट में भारत में करीबन 2014 तक अगर रिपोर्ट में देखेंगे तो एक भी ऐसा केसेस नहीं है जो कि भारत में मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं, जो कि डॉक्टर हैं, उनका लाइसेंस एक भी कैंसिल हुआ है। ज्यादातर नो परमानेंटली कैंसिल तो हुआ है लेकिन परमानेंटली कैंसिल नहीं हुआ 2014 तक रिपोर्ट के हिसाब से।
जो कि आरटीआई में फाइल किया गया था, तो 2014 तक मिला कि अभी तक कोई एक ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि परमानेंटली उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया है, ये आरटीआई की रिपोर्ट बोलता है। जो कि हमारे इंग्लैंड को अगर कंपेयर करेंगे, इंग्लैंड में क्या हुआ था 2008 में करीबन 14, सॉरी 2008 में करीबन 42, 2009 में 68, 2010 में 73, ये इंग्लैंड में इतने लोगों का, इतने डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल किया गया था, जो कि इंडिया में 2014 तक आरटीआई के तहत ये बोला गया कि नहीं, अभी तक जो बोलते हैं कि परमानेंटली किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया। तो हम इससे क्या कंपेयर लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम अच्छा है या बुरा है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर। तो मेनली नो परमानेंटली कैंसिल अभी तक कैंसल्ड हुआ नहीं है, जो कि इंग्लैंड में हो चुका है। तो मेनली अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू द पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत सरकार का ये है, 2018 20 जुलाई के अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि लास्ट रिपोर्ट था ये हेल्थ केयर के ऊपर जो कि राज्यसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा में जब पेश हुआ था, अश्विनी कुमार दुबे चौबे उस वक्त हमारे पेश किए थे राज्यसभा में हेल्थ के ऊपर रिपोर्ट, जो कि पीएससी है पूरे भारत में, टोटल पीएससी, एक्चुअली हेल्थ सेक्टर जो इंडिया का है जो चार श्रेणियों में बांटा गया है, एक है पीएचसी, दूसरा है सीएचसी, तीसरा है एसडीएच, चौथा है डीएच। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एसडीएस सब डिविजनल हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, ये है कि हमारा चारों विभाग। पूरे भारत में पीएचसी है 29,889, जो कि हमारे टोटल पीएचसी आज के डेट में भारत में पूरा टोटल काम करते हैं, और जो कि हमारे सीएचसी है करीब 5,568, एसडीएच है 1,255 और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर है 1,003, और टोटल नंबर ऑफ बेड्स इन इंडिया 7,39,024 बेड है। इसमें अगर देखते हैं तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा पीएचसी यूपी में है 3,277, राजस्थान में है सीएससी सबसे ज्यादा 579, एसडीएच है तमिलनाडु में 310, सब डिविजनल हेल्थ सेंटर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर है यूपी में करीबन 174, ये है कि टोटल। और यूपी में सबसे ज्यादा बेड भी है 58,310। अगर इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो टोटल जो है कि 58,310 बेड है यूपी में, नंबर ऑफ बेड्स। अगर तमिलनाडु में देखते हैं कि बेड्स के हिसाब से टोटल 72,616 बेड ये हैं। तो सबसे ज्यादा बेड जो है कि तमिलनाडु में है, पीएससी सबसे ज्यादा यूपी में है, सीएससी सबसे ज्यादा राजस्थान में है, एसडीएस सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर ज्यादा यूपी में है, और बेड तमिलनाडु, और यूपी में बेड है 58,310 अकॉर्डिंग टू द पीआईबी। तो ये रहा कि हमारा मेनली एलोपैथिक के बारे में। अभी हम आयुष डिपार्टमेंट के ऊपर जाते हैं। आयुष का जब नाम सुनते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये हमारा डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुर्वेदिक योगा यूनानी सिद्ध हिमानी, इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो रिपोर्ट है 2018 20 जुलाई तक जो रिपोर्ट है, टोटल भारत में 3,744 जो है हमारे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोकल जो है 35 और अदर्स है 164, टोटल मिला के हैं 393943 जो कि हमारा टोटल हॉस्पिटल है। लेकिन आयुष मिनिस्ट्री के तहत जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे मैंने बोला कि 3,744 आते हैं, और टोटल बेड जो है हमारे, टोटल बेड जो है 55,242 बेड है आयुष के अंडर, नंबर ऑफ बेड्स, जो कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल सबसे ज्यादा है यूपी में 2,315 आयुष हॉस्पिटल है यूपी में, हाईएस्ट नंबर, और जो है कि 11,461 बेड है आयुष के अंडर, नंबर ऑफ बेड्स जो कि यूपी में है। आज के डेट में जब ये आयुष एलोपैथिक इसके बारे में, एम्स के बारे में भी ज्यादातर बात चलता है, एम्स के ऊपर मैं बोलता हूँ, 16 एम्स जो कि भारत सरकार के तहत अभी काम कर रहे हैं, और 9 एम्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जो ये हमें माना जाता है, और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन को जो है कि हमारे सुश्रुत हैं, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। स्टेट वाइज देखेंगे जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत जो हेल्थ सेक्टर आता है, जो कि ज्यादातर भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जो हेल्थ सेक्टर आते हैं, 133 हॉस्पिटल हैं जिनमें की बेड से 34,520, और सबसे ज्यादा हैं यूपी में 15 हॉस्पिटल्स हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, और जो कि नंबर ऑफ बेड्स हैं 4,570। रेलवे में भी ऐसे आता है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, 126 टोटल हॉस्पिटल है, उसके तहत 13,748 बेड है जो कि सेंट्रल रेलवे का हॉस्पिटल है, सबसे ज्यादा
हॉस्पिटल है वहां पे 11 हॉस्पिटल है, और जो कि ईस्टर्न रेलवे है वहां पे सबसे ज्यादा बेड है, 1587 बेड है ईस्टर्न रेलवे में। ESIC के हिसाब से देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल्स के ऊपर बेड जो है 2017 के रिपोर्ट के हिसाब से 151 हॉस्पिटल इसके तहत काम करता है, 19,765 बेड है, और यूपी सबसे ज्यादा है, 16 हॉस्पिटल है जहां पे 1886 बेड्स हैं। ये है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का रिसोर्स से हमें ये सब डाटा प्राप्त हुआ है। ये अगर हम देखेंगे तो टोटल रह गया हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। जब हम बात करते हैं फार्मा के ऊपर, फार्मा एक्चुअली क्या है, जब हम फार्मा के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि हेल्थ तो ये हो गया, लेकिन जो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, हेल्थ का जो बोलते हैं जितना तर मेडिसिन है ये है, इन सब के बारे में भी हम अभी पूरा देख लेंगे। भारत में 60% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडियंट जो कि API बोला जाए, जो केमिकल मेडिसिन है उसे जो बोलते हैं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडियंट बोला है API, जो कि 60% इम्पोर्ट किया जाता है हमारा चाइना से। अकॉर्डिंग टू द हमारा जो मेडिकल रेटिंग एजेंसी है एकरा के हिसाब से अगर देखा जाए 80-90% हम लोग डिपेंड्स होते हैं इंपोर्ट मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन, मतलब कि हम लोग इंपोर्ट के लिए डिपेंड्स होते हैं अदर कंट्री के ऊपर, ज्यादातर चाइना के ऊपर हम पेनिसिलिन के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेबल रहते हैं, और भी ऐसे हैं इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, जो कि हमारा एकरा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि जेनरिक मेडिसिन है। 65-70% फार्मा पार्टिसिपेट इन इंडिया, 65-7% जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं वो हमारे इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड्स इन सब के लिए हम चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादातर डिपेंड्स रहते हैं। जो कि हमारा DGFT है, DGFT जो है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि इसके ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के ऊपर ये हैं, ये अभी अभी जो न्यूज में था आप देख रहे होंगे, ये अप्रैल मई के करीब जो हमारा न्यूज में था, 26 मेडिसिन जो चाइना से हमारा इंपोर्ट हो रहा था उन्हें हमारे DGFT ने ये बैन कर दिया है, बोला कि हम उनसे नहीं लेंगे। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है आज के डेट में है बीजी सोमानी जो है कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, वो बोले कि नहीं, और हम चाइना से जो बोलते हैं कि नहीं लाएंगे, और 26 मेडिसिन को चाइना से रोक लगा दिया गया। उस 26 मेडिसिन के तहत कुछ मेडिसिन का नाम मैं बोलूंगा, जो कि एक ये है पारासिटामोल, मेट्री नाइट्रोडीजल, टीनी डीजल, एक्वापलायर, विटामिन B6, विटामिन B12, हमारा प्रोजेस्टेरन, ये सब दवाई इसके तहत आते हैं और भी हैं। फर्स्ट आओ जो कि बीजी सुमानी हमारे DCGI हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI बीजी सोमानी बोले कि हम पहले अपना नेसेसिटी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अदर कंट्री को हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो पहले ये स्टेटमेंट दिए। इंडिया का मेडिसिन सेक्टर अगर हम देखेंगे, इंडिया इज द थर्ड बिग मार्केट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का तीसरा बड़ा मार्केट है मेडिसिन के ऊपर, 13 बिग मार्केट अकॉर्डिंग टू द प्राइस के हिसाब से 13 मतलब कि 13वां सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड के हमारे इंडिया, अगर मार्केट के अगर प्राइस के रेट के अगर देखा जाए, थर्ड है कि बिग मार्केट है लेकिन प्राइस के हिसाब से 13 रैंक है। 50% जो कि वर्ल्ड का हेल्थ का मेडिसिन का नेसेसिटी है वो कि इंडिया पूरा करता है। एक्चुअली जब होता है कि ये इंडियन मेडिसिन से ही टोटल वर्ल्ड के 50% पूरा होता है वर्ल्ड का हेल्थ का नेसेसिटी। US में 40% USA 40% इंडियन मेडिसिन के ऊपर डिपेंड्स रहता है। ब्रिटेन 25% इंडियन मेडिसिन के ऊपर ये रहता है। तो जब हम मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, हमारे इंडिया में जो मेडिसिन होता है करीबन 100-200 रुपए, वहां पे अगर देखेंगे US में वो 500-1000 रुपए पे मिलता है। तो इसके तहत क्या होता है कि अभी मैं जैसे कि बोला था कि आपको हमारे इनकम के ऊपर थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर बात कर लेते हैं मेडिसिन इंडस्ट्री के ऊपर। इक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट के हिसाब से भारत में $33 अरब 2017 के तहत ये है कि टोटल जो बोलते हैं भारत का मेडिसिन इंडस्ट्री का ये है इनकम है, उसमें से भारत में ही $18.87 अरब का इनकम जो है जो कि इंडिया खुद से ही करता है। करीब जो बोलते हैं कि 2018 से ये 9.4% इंक्रीज हुआ है। 2020 तक ये पूरा 2020 लास्ट तक ये अनुमान है कि $55 अरब
जो कि हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर ये हुआ है, ये हमारा इंडियन मेडिसिन से इनकम होगा। 2015 और 20 से देखेंगे तो ये 22.4% इसका इंक्रीज हुआ है। 2017 और 18 के रिपोर्ट में इंडिया का मेडिसिन जो था कि 17.27 इसका टोटल मेडिसिन इंडस्ट्री का इनकम था। 18-19 के रिपोर्ट में 19.24 अरब डॉलर के रुपए इनकम था। 2020 में 22 अरब डॉलर के करीब जो बोलते हैं कि हमारा अनुमान है आखिरी तक। ट्रीटमेंट के हिसाब से देखेंगे 15.6% हम ज्यादातर जो बोलते हैं अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इससे ये सामान आएगा ये आएगा इसके ऊपर। 2020 तक ट्रीटमेंट के रिलेटेड हमारे इंडिया में जो खर्चा हुआ है 8.16 अरब डॉलर का, ये इकोनॉमी बढ़ सकता है। तो इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं, मेनली हमारे दिमाग में और एक चीज चलता है कि जब हम ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये दो टाइप का होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल और ब्राउन फील्ड फार्मास्यूटिकल। ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल का मतलब है जो कि अभी अभी बन रहा है, ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल अभी अभी न्यू स्टार्टअप टाइप के हैं, वहां पे 100% FDI को लागू किया गया। जो कि ब्राउन फील्ड फार्मास्यूटिकल है वहां पे बोला गया कि 74% FDI को लागू किया। ब्राउन फील्ड जो है कि जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये ऑटोमेटेड रूट में ये FDI आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे आएगा, जो कि ग्रीन फील्ड में 100% होगा, ब्राउन फील्ड में 74% होगा। ये है कि हमारा 9% पेटेंट मेडिसिन जो है इंडिया में आजकल के डेट में चल रहे हैं, और 70 से ज्यादा जो कि ब्रांडेड जेनरिक हैं। एक्चुअली जब हम जेनरिक के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जेनरिक मेडिसिन है क्या। जेनरिक एक्चुअली वो होता है कि सोच लीजिए किसी भी चीज को आपको 10 या 15 साल तक बनाने के लिए दिया गया है, तो वो आपको पेटेंट के तहत दिया गया है। उस 15 साल के बाद भी उस मेडिसिन का मेडिसिन चल रहा है, तो क्योंकि एक कंपनी को हम अगर 15 साल का लीज दे रहे हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो 15 साल के बाद उस कंपनी का ऑथेंटिकेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन 15 साल के बाद भी वो प्रोडक्ट जो चल रहा होगा उसी को बोला जाता है ब्रांडेड जेनरिक। जो कि भारत में करीब 70 से ज्यादा ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन इंडिया में है। और ज्यादातर जब हम खर्चा के बारे में बात करते हैं, कुछ कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि ज्यादातर खर्चा होता है, जो कि है कैंसर, डायबिटीज, फिर आता है कि न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी, यूरिन, इन सब में जो बोलते हैं कि ज्यादातर प्राइस ये होता है। ये हमारा भारत सरकार की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत ये सब ज्यादातर थोड़ा बहुत कवर भी होता है। तो इसके तहत जो जेनरिक मेडिसिन है, बेचना भी फ्री जेनरिक मेडिसिन आप आजकल के डेट में हॉस्पिटल में भी खुल गया होगा, आप देखते होंगे। 2017 में करीबन अगर देखेंगे तो हमारा मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में इतना अच्छा है क्या, जो बोलते बाकी कंट्री के लोग यहाँ पे आके जो ट्रीटमेंट करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल्स देखेंगे। 4,95,056 मेडिकल वीसा 2017 में इशू किया गया, और सबसे ज्यादा जो थे जो कि बांग्लादेशी थे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हम एक मेडिकल को भी टूरिज्म की तरह ले लें, तो अगर कोई हेल्थ के लिए हमारे यहाँ पे आ रहा है तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत 9 अरब डॉलर तक इनकम कर सकता है, ये जो बोलते हैं कि हमारा अनुमान है 2020 तक। थर्ड चॉइस मेडिकल फैसिलिटी के लिए लोग चूज करते हैं इंडिया को, जो कि 2013 में करीब 52,129 लोग मेडिकल वीसा के तहत इंडिया आए थे, 2014 में 75,000, 2015 में 1,34,344, जो कि 2016 में करीबन 2,01,069 लोग, फिर 2017 में 4,90,000 के करीब लोग हमारे जो बोलते हैं 4,95,056 लोग जो आए थे हमारे जो बोलते हैं मेडिकल वीसा के तहत आए। इस मेडिकल वीसा के तहत सबसे ज्यादा आए थे हमारे बांग्लादेश के, और सेकंड हाईएस्ट आए थे हमारा अफगानिस्तान, फिर आए इराक के, फिर आए हमारा ओमान, उज्बेकिस्तान, नाइजर। वह ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन, यूएस और रूस से नहीं आए इन सबसे, हाँ ब्रिटेन से भी मेडिकल वीसा के तहत 2017 के अगर रिपोर्ट देखेंगे 370 लोग आए थे, यूएसए से भी 296 लोग आए थे, हमारे रूसिया से भी 96 लोग आए थे। ये मेडिकल वीसा, अगर इंडिया का मेडिकल अगर अच्छा कर देते हैं तो बाहर से भी लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, जो कि हमारे भारत के अर्थनीति के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा साबित होता है। आज के डेट में अगर हम देखेंगे कि ये मेडिकल वीसा के तहत ये सब होता है, तो जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में नाम लेते हैं, मैं कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम मेंशन करूंगा, जैसे कि रहा सन फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि हमारे दिलीप सांघवी के हैं,
जो कि हम इंडिया में सबसे टॉप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माना जाता है। फिर आप देखते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, सिप्ला, फिर बायकॉन, डिविस, लुपिन लिमिटेड, ये सब कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया के कुछ नेम। उसमें जो बोलते हैं कि भारत सरकार के कुछ कमेटी के नाम भी मैं आपको बोलूंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छा रहेगा। पहले भारत में जो कमेटी बना था, जो था कि मुदलियार कमेटी 1962 में, पहले भारत सरकार का पहले भी बना था 46 के वक्त पे, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस था। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बोल रहा हूँ कि 1962 में एक कमेटी बना था जो कि बहुत फेमस हुआ था, जो कि पीएचसी स्कीम के ऊपर था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एस्टेब्लिश करने के बारे में स्कीम में था। मुदलियार कमेटी का रिपोर्ट था, फिर आया चड्डा कमेटी, फिर 1963 में मुखर्जी कमेटी, 1965 में हमारा जुगलवाला कमेटी आया, 1967 में करतार सिंह कमेटी आया, 1973 में से श्रीवास्तव कमेटी आया, 1975 में फिर आया कि बजाज कमेटी 1986 में। ये सब हमारे हेल्थ रिलेटेड कमेटी का नाम है। बीसी रॉय अवार्ड मेडिकल के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि मेडिकल इंडियन हाईएस्ट इंडियन अवार्ड इन द मेडिकल कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी के सबसे हाईएस्ट अवार्ड है बीसी रॉय। बीसी रॉय विधान चंद्र रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, विधान चंद्र रॉय के नाम पे ये दिया जाता है। और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन जो बोला जाता है, सुश्रुत को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोला जाता है। ये टोटल रहा कि हमारे हेल्थ सेक्टर के टोटल के ऊपर। थैंक यू।